नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों की। छत्तीसगढ़ के गंडई में सड़क में जैतखाम को बचाने को लेकर उतरे सतनामी समाज। गंडई नगर के नजदीकी ग्राम पंचायत भरदा गोड़ में सतनामी समाज आंदोलन करने मजबूर हो गए हैं। अब वह सड़क की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण मोहन भारती एवं एक दर्जन से अधिक शिकायतकर्ताओं ने बताया कि रोड अतरिया से लेकर बुंदेली तक करोड़ों की लागत से सड़क निर्माण की जा रही है, जिसमें हमारे ग्राम भरदागुड़ में हमारे समाज द्वारा सड़क से लगे निजी जमीन पर जैतखाम वर्षों पहले बनाया गया था। यहां पर जैतखाम के सामने सड़क के उस पर अतिक्रमण के कारण अंधा मोड़ बना हुआ है। सड़क निर्माण यदि अतिक्रमण के कारण बने पूर्ववत सड़क पर ही चौड़ीकरण करके बनाया जाता है तो जैतखाम और सांस्कृतिक मंच इसके चपेट में आएगा, जिस पर सामाजिक भाइयों ने मिलकर तहसील में आवेदन किया था। जांच भी हुई और जैतखाम के सामने रोड के उस पार अतिक्रमण करना भी पाया गया, परंतु सड़क ठेकेदार और अधिकारी के द्वारा अतिक्रमण को हटाकर अंधे मोड़ को सीधा करने के बजाय नाली निर्माण कर दिया गया, जिसके कारण अब अगर सड़क चौड़ा बनाया जाता है तो हमारे धार्मिक आस्था से जुड़े जैतखाम सड़क निर्माण की चपेट में आ जाएंगे, जिसके कारण हमने जिला कलेक्टर के पास 12 जनवरी 2023 को लिखित शिकायत की है, परंतु अभी तक आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर यही हाल रहा तो मामले को लेकर उच्च अधिकारियों एवं मंत्रियों तक अपनी बात रखेंगे। हमारी आस्था से जुड़े जैतखाम को बचाने पूरा समाज एकजुट होकर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। PWSDOBL कांडा छुईदान से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर सड़क निर्माण किया जाएगा, जैतखाम और सांस्कृतिक मंच का ध्यान रखा जाएगा। आपके बताए अनुसार उक्त स्थल के सामने नाली निर्माण हुआ है, संभवतः मेरे पदभार लेने से पहले बनाया गया होगा, एक बार विजिट कर देख लेता हूँ। गंडई जिला ब्यूरो विनोद नामदेव की रिपोर्ट। जी आप अपना नाम बताना। मैं भरदागोड़ के निवासी हूँ, मेरा नाम मोहन भारती। अच्छा, क्या मामला है रोड के? रोड के मामला में ऐसे है जी, इनमें कई घटना हो चुके हैं, रोड सीधा ले जाए तो इधर संबंध में कोई शिकायत वगैरह कर रहे हो आप? शिकायत बहुत कर चुके हैं, कलेक्टर में गए हैं, तहसीलदार में गए हैं, DM में गए। अच्छा, इसे पता चला था कि पूरे जितना सतनामी भाई है वो विरोध में है कि जैतखाम जो है अतिक्रमण में आते, मतलब अतिक्रमण मतलब तोड़े के तैयारी में है या उखर? वो तो तोड़े के तैयारी में है, और जैतखाम कहाँ समझते हैं, ठेकेदार जाने वो काम मतलब है, जैतखाम को मालूम नहीं है ऐसे बोलता है, और टूटे चाहे कहीं हो हम बनेंगे नाली ऐसे बोलता है, हम विरोध करे हैं। कहाँ कहाँ तक विरोध करे? कहाँ से विरोध करें? तहसीलदार, DM और कलेक्टर के पास। तो कोई आए से अधिकारी? अभी तक कोई सुने नहीं करे सर। का ये जैतखाम लगानी जमीन में आपके भी? लगानी जमीन तो नहीं है, बाकी लगानी के तीर में शासकीय जमीन में है, और ओ पार में जन है जन ला छोड़े गए है वो भी शासकीय जमीन नहीं है, वो तो 21 मीटर सरकारी भूमि है, वो उसको छोड़ के इधर ज्यादा ले रहे हैं, छोड़ के उधर ज्यादा ले रहा है। आप लोगों की मांग क्या है? मांग हमारे सीधा रोड बने और नाली तोड़ के सीधा रोड जो 21 फीट मिले मामला में नाली बनाए और रोल सीधा करे। घटना कह चुके हो चुके, अगर इसे नहीं होते तो नहीं हो सके, सड़क को बंद कर ही जाए। और सड़क के निर्माण ठीक ठाक होते? सड़क के निर्माण का ठीक ठाक होते, मनमानी कर रहा है। का तकलीफ है सड़क में? का तकलीफ है? तीन चाहते कोने में चौड़ीकरण करना है, कोने में सकेला करना है, सही ढंग से बन नहीं रहा है रोड। अच्छा, यहाँ जो मुरुम डाले गए है उसमें इसे बताते जिससे कि मिट्टी भी है? मिट्टी भी है, मुरुम भी है, दोनों चीज मिक्स है, तो मुरुम है नहीं है। जी नमस्कार, मैं पब्लिक एप्ली गंडी से विनोद नामदेव। अभी इस वक्त है हम लोग ग्राम पंचायत भरदागोड़ में। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत सड़क अतरिया से लेकर बुंदेली तक लगभग 17 करोड़ से अधिक की लागत में सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क निर्माण में ग्राम भरदागोड़ में सतनामी भाइयों का विशेष जो है विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए है क्योंकि जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़क से लगा हुआ एक नाली बना हुआ है, और इस साइड अगर देखिए तो जैतखाम है। अब जो सतनामी भाई है उनका कहना है कि जो जैतखाम है वो निजी जमीन पे बना हुआ है, और जो नाली है और नाली की जो जस्ट उस पार की जो जमीन है वो कुछ हद तक शासकीय भूमि में है। इसका जो है विरोध करने के बाद पटवारी और तहसीलदार RI के द्वारा जो है नाप भी किया गया था, और नाप करने के बाद पाया भी गया था कि जो है सड़क के उस पार कुछ जमीन जो है शासकीय भूमि में है। इसके बाद भी जो है ठेकेदार के द्वारा सड़क को जो है सीधा ना बना के एक राउंड में बनाया जा रहा है, और ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि जो जैतखाम है, जो धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ भाग है, वो कहीं ना कहीं इसके चपेट में आएगा। मेरे पीछे जस्ट मेरे कैमरामैन के पीछे जो मंदिर का जो जो चबूतरा बना हुआ है आपका जो सांस्कृतिक मंच का, वो चबूतरा का एक हिस्सा भी आने की संभावना बनी हुई है।
इस प्रकार से कह सकते हैं कि ग्रामीणों के आस्था से जुड़े हुए भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका सुनवाई नहीं हो रहा है। इन्होंने बताया है कि सबसे पहले तहसीलदार के पास इन लोग आवेदन लगाए थे, उसके बाद जिला कलेक्टर के पास गए थे और कहीं से भी सही जो है समाधान नहीं निकल पा रहा है। देखते हैं इस मामले पर आगे क्या होता है। धन्यवाद।